हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हैप्पी नवरात्र। आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों पुलाव। ये व्रत वाला पुलाव है दोस्तों। ये व्रत वाला पुलाव इतना ज़बरदस्त टेस्ट लगता है कि आप बार बार इसे नवरात्रि में ज़रूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आलू ले लिए हैं। ये 250 ग्राम के करीब आलू है, मोटा मोटा काट ली हूँ छिलका उतार के। ये सामा का चावल है। सामा का चावल से आज हम बनाएंगे व्रत वाला पुलाव। ये व्रत वाला पुलाव बहुत बेहद खुशबूदार और बेहद खाने में स्वादिष्ट लगता है। देखिए दोस्तों, हम मूंगफली ले लिए हैं 25 ग्राम के करीब, धनिया पत्ता, नमक और काली मिर्च, अदरक थोड़ा सा कटा हुआ और 2 मिर्च कटा हुआ। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली थोड़ा सा ज़्यादा या कम अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हम इसमें घी डाल देते हैं। देखिए घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें अदरक और मिर्च काटा हुआ डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। देखिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं कि थोड़ा अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए, मिर्च का भी फ्लेवर आ जाए घी में। तो घी में तड़का को ये भून लीजिए आप। तड़का को भूनने के बाद में इस तरीके से आप थोड़ा सा, आधा इंच से भी कम, ये मोटा है आलू, और डाल लिए हम। देख सकते हैं आलू को हम पहले ही डाल दिए हैं, इसलिए कि आलू को हमें पकाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फ्लेम यहाँ पे हम लो मीडियम कर देंगे। अच्छे से चलाते हुए आलू को भून लेंगे। देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे आलू को, और साथ के साथ हम मूंगफली भी डाल देंगे। मूंगफली भी इसके साथ हम भून लेंगे दोस्तों। अच्छे तरीके से आप बीच बीच में चलाते रहें और इसे भूनते रहें। आपको नजर आ रहा होगा कि आलू हमारा धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और बहुत ही अच्छा, इस पर जब गोल्डन कलर का कोटेड हो जाएगा तब हम इसे भूनना बंद करेंगे। तो जैसे कि हमें आपको बताई कि आलू को हमें अच्छे तरीके से पका लेना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे चावल के अंदाजे से ही यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। अगर आपको इस तरीके से पता ना लगे तो आप चावल के साथ ही ऐड कर सकते हैं नमक। यहाँ पर देखिए हम काली मिर्च क्रश कर ले रहे हैं, ताज़ा काली मिर्च क्रश कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस पुलाव में। और यहाँ पे देखिए हम चावल जो लिए हैं, सांभा का चावल, इस तरीके से देखिए ये झड़ रहा है। ये मोटा थोड़ा छन्नी है तो झड़ रहा है। ऐसे वाला छन्नी अगर आप लेते हैं तो 2 बार इसे धोना पड़ेगा आपको, बार मतलब नीचे गिरे ना, नहीं तो आप बारीक वाला छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे पानी डाल के इस तरीके से धो लेते हैं। व्रत वाला चावल को बहुत ही सावधानी से धोना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा होता है और गिरने का चांस होता है नीचे। तो आप इस तरीके का छन्नी ले लें और आराम से सावधानी से इसे धोएं। अगर छन्नी ज़रा सा भी मोटा है तो आपका नीचे बहुत सारा आ जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसे धो लें। देखिए इस तरीके से आप चलाते हुए पानी में इसे धो लें। तो देखिए यहाँ पे सारा ये पानी निकल गया। अब हमारा यहाँ पे आलू भी भुनने के स्टेज पे आ गया है, देख लीजिए। तो यहीं पे हम काली मिर्च क्रश करके डाल दिए हैं। तो हम नमक डाल दिए इसलिए पहले कि आलू जो हमारा है वो पक जाएगा। देखिए पक गया है आलू। अब साथ के साथ हम डाल देते हैं अपना ये सामा का चावल। सामा का चावल का आप इस तरीके से बनाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है पुलाव। तो पुलाव क्या आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। खिचड़ी में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा तो वो खिचड़ी हो जाएगा, और थोड़ा सा कम पानी डालिएगा तो वो पुलाव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये घी में बन रहा है, व्रत वाला घी में ही बनता है। यहाँ पे हम चावलों को भी भून लिए हैं आलू के साथ। देख सकते हैं कितना अच्छा मोटा मोटा दाना हो गया है। तो अब हम यहीं पर पानी डाल देते हैं। ये 100 ग्राम हमारा सामा का चावल था देखिए, और 250 ग्राम था हमारा आलू। इसमें हम कम से कम 2 गिलास पानी डाले हैं और इसे हम 5 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए 1-2 बार चला दिए हैं और ये पक गया है चावल। चावल पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है दोस्तों, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो नवरात्रों का भी अपना ही मज़ा है दोस्तों। तो इस नवरात्रि में बनाइए ये स्वादिष्ट पुलाव और खाइए। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो ज़रूर दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। इतना चटपटा ये पुलाव है कि आप बार बार नवरात्रों में दो 2-3 बार तो ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों,
लाइक तो बनता ही है, साथ के साथ इसे शेयर करें वीडियो को और अन्य लोगों को भी, टेस्टी पुलाव अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा बनाया हुआ रेसिपी तो आप लोगों को बहुत सारा पसंद आता है और हमें उम्मीद है कि ये भी हमारा रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो लीजिए दोस्तों, ये पुलाव खाने में एकदम फटाफट अंदर चला जाता है, इतना टेस्टी है कि आपको व्रत आप रखे रहेंगे उसके बाद खाएंगे तो इतना टेस्टी लगेगा ज़बरदस्त कि आप बार बार इसे बनाएंगे। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, आप लोगों को भी अच्छा लगे यही उम्मीद है। पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जुड़े रहें रोज़ाना खाना के साथ। मिलते हैं नए रेसिपी में, जब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि।